हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ग्लास बॉटल में स्पाइडर बनाने वाला हूँ एयर ड्राई क्ले से। तो टेक्सचर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फेविकॉल SH, एक लेंगे हम कॉटन रोल, कुछ इस तरीके देखिए पट्टी आती है कॉटन की, कॉटन गॉज रोल बोलते हैं इसको। तो एक हम ये ले लेंगे। तो इस कॉटन गॉज रोल को हम पेस्ट करेंगे फेविकॉल से। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक तरीका, जिसमें हमने वाटर में फेविकॉल को मिक्स करने के बाद उसमें हमने कॉटन को इसको डिप किया था, उसके बाद हमने बॉटल में अप्लाई किया था। इसमें मैं डायरेक्ट पेस्ट करने वाला हूँ। तो पहले इस तरीके से फेविकॉल को अप्लाई कर लीजिए जिस एरिया पे आपको पेस्ट करना है, फिर हम इसमें कॉटन रोल को पेस्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, हम इसको पूरे बॉटल में हम इसको टेक्सचर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये अब इसमें पेस्ट हो चुका है। अब इसमें हमें करना है वाइट प्राइमर। जैसे अभी ये पूरी तरीके से सूखा नहीं है, फिर भी हम इसमें वाइट प्राइमर को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्पंज की आप हेल्प ले लीजिए और इससे पूरे में अप्लाई कर लीजिए एक वाइट प्राइमर को, जिससे ये प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो जाए और इसमें थोड़ा वाइट लुक अच्छा से आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए वाइट प्राइमर करा हुआ तो ये पूरी तरीके से अब ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमें पेस्ट करना है एक लेस, कुछ इस तरीके की मैं एक लेस लूँगा जिसको हम फेविकॉल से इसको पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड डिज़ाइन देने के लिए हम कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल थी मैं उसी का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको फेविकॉल SH से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी लेस आप ले सकते हैं मार्केट से, और कोई भी टेक्सचर के लिए इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें हमें पेस्ट करना है, इसमें डिज़ाइन देना है। अब लेस पेस्ट करने के बाद हम इसमें फिर से वाइट प्राइमर का यूज़ करेंगे, जिससे जो हम अप्लाई करेंगे बाद में कलर, तो वो प्रॉपर तरीके से कलर अच्छा चढ़ के आए, इसलिए हम वाइट प्राइमर का यूज़ करते हैं। तो जो डिज़ाइन है इसको भी हम हाइड कर देंगे इस तरीके से। वाइट प्राइमर से पूरी लेस में आप इसको अप्लाई कर लीजिए। तो जिस तरीके से देखिए अब ये पूरा वाइट हो चुका है। अब हमें इसमें क्ले का यूज़ करना है, तो इसमें यूज़ करेंगे हम फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। मैं सिर्फ यही क्ले का यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये बाय करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसमें क्ले लगाने से पहले मैं इसमें फेब्रिक ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो फेब्रिक ग्लू या फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो क्ले है वो प्रॉपर तरीके से इसमें पेस्ट हो सके। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें स्पाइडर का लुक दे रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से स्पाइडर बनाया जाता है क्ले से।
तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें स्पाइडर बना लिया है। तो जब ये क्ले आपकी ड्राई हो जाए 1 आवर के बाद ही इसमें हमें कलर को अप्लाई करना है। तो इसमें मैं कलर करूँगा एक्रेलिक कलर, तो पूरे में हम ब्लैक कलर को अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ब्लैक कलर पूरी तरीके से हमने इसमें अप्लाई कर लिया है, और जब ये ड्राई हो जाए तभी उसके बाद हमें सेकंड कलर को अप्लाई करना चाहिए। इसलिए अब हम इसमें यूज़ करने वाला हूँ मैरून कलर। कुछ इस तरीके से देखिए मैरून कलर है। अब कलर हमारा हो चुका है और ये कलर ड्राई भी हो चुका है। अब इसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेंगे डेकोर वार्निश। ये मैट वार्निश है, इसे हम पूरी बॉटल में अप्लाई कर लेंगे जिससे हमारी जो बॉटल है वो सेफ़ रहे और डस्ट प्रूफ रहे। तो इसलिए वार्निश का यूज़ ज़रूर कीजिए अपने किसी भी क्राफ्ट वर्क में, जो कुछ इस तरीके का अगर आप क्ले वर्क करते हैं तो। अब जैसे आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, जैसे आर्ट के बारे में कुछ पूछना हो या क्ले के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मयंक अग्रवाल आर्ट्स, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और कोई भी कुछ पूछना हो आपको तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ इस तरीके से आप बॉटल को डिज़ाइन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।